गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? उम्मीद है स्वस्थ ही होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पे स्टे कर रहे होंगे। सो बेटा, जो आज हम वर्कशीट कंप्लीट कराने वाले हैं वो आपकी ग्लोबलाइजेशन। कौन सी है? ग्लोबलाइजेशन। ओके बेटा, सो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट इज द रूलिंग बॉडी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज WTO को एक्चुअली रूल्ड कौन करता है, कौन उसके लिए रूल रेगुलेशंस का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि जितने भी कंट्रीज मेंबर कंट्रीज होते हैं WTO के ऊपर भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे कि हमने पढ़े रीड किए हुए हैं कि UNO जो है वो मेनली 5 ऑर्गन्स के साथ में रन करता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन होता है वो जनरल काउंसिल होता है। कौन सा होता है? जनरल काउंसिल। इन दैट रीजन बेटा यहाँ पर WTO की जो कंट्रोलिंग या फिर रूलिंग जो बॉडी होती है उसको कहते हैं हम जनरल काउंसिल। दैट मींस ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था द डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ, जो आपका डायरेक्टर होता है WTO का वो कितने साल के लिए अपॉइंटेड किया जाता है। तो बेटा इसके लिए ऑप्शंस थे 3, 4, 5 and 6 ईयर। तो आंसर क्या है इसका? 4 ईयर्स है। 4 ईयर्स के लिए WTO का जो डायरेक्टर है वो अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंटमेंट करने के लिए जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता है वो काउंसिल जनरल का होता है। ओके, और उसके मेंबर्स का भी है, WTO के मेंबर्स का। अगला क्वेश्चन था नंबर 3, ब्रॉडली स्पीकिंग देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर हम यहाँ पे देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स का होता है, तो बेटा यहाँ पर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को 2 कैटेगरी में रखते हैं। 2 टाइप्स का फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, एक तो वो जो हम दूसरे देशों में करते हैं, दूसरा जो डिफरेंट कंट्रीज हमारी कंट्री में करता है। इन दैट रीजन यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने कैटेगरी का हो गया? 2 टाइप का हो गया। क्लियर। नेक्स्ट था नंबर 4 क्वेश्चन, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। ऑप्शन थे इसमें मेक अ कंट्री डिपेंड ऑन द अदर, या डिक्रीज कंपटीशन बिटवीन कंट्रीज, या डिटरमाइन प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट इन डिफरेंट कंट्रीज, या नॉन ऑफ दीज, या इनमें से कुछ नहीं है। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो हम यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं किसके ऊपर, जो आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, उनको ही हम ट्रेडिंग करते हैं। अगर जो सबसे कम होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, उसी प्रोडक्ट को हम इम्पोर्ट कराते हैं। क्लियर। इन दैट रीजन यहाँ पर 4th का सी आंसर है, डिटरमाइंस प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट इन डिफरेंट कंट्रीज। नेक्स्ट था नंबर 5, अ कंपनी दैट ऑन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन 1 नेशन इज कॉल्ड। ये तो बेटा बड़ा इजी है। ऐसी कंपनी जो एक या एक से अधिक कंट्रीज के अंदर अपना प्रोडक्शन सेल आउट करती है उसको हम क्या कहते हैं? MNC कहते हैं। या अपना सेटअप करती है एक से ज्यादा देशों के अंदर अपने यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड MNC, दैट मीन्स मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन था बेटा नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज बीन कॉन्स्टिट्यूट फॉर प्रमोटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज बीन कॉन्स्टिट्यूट फॉर प्रमोटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। वो कौन सी कंपनी है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में प्रमोटिंग करती है? तो क्या बेटा इसमें TCS है, या इन्वेस्ट इंडिया है, रियल RIL रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, या ONGC है? तो इसमें सिंपल सी बात है, हमारी इन्वेस्ट इंडिया जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए प्रमोटिंग करती है कंट्रीज को, क्लियर, या कंपनीज को। अगला था बेटा नंबर 7, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF। IMF का यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? तो बेटा मुंबई, अमेरिका की जो कैपिटल है दैट इज Washington DC, वहां पर आपका IMF का हेडक्वार्टर सेटअप है। ठीक है। अगला था बेटा नंबर 8, विच इंडियन कंपनी हैज बीन बॉट बाई कारगिल फूड एंड MNC। किस कंपनी को कारगिल फूड ने मर्ज किया था, या फिर
वो भारत की कौन सी कंपनी थी जिसको कारगिल फूड ने परचेज कर लिया? तो इसमें चार ऑप्शन थे, परक फूड, ब्रिटानिया, डाबर और अमूल। ये क्वेश्चन आया हुआ था जब हमने पढ़ाया था। तो बेटा वो परक फूड थी जिसको अमेरिका की कारगिल फूड ने मर्ज कर लिया था, क्योंकि वो यहाँ की लोकल कंपनी थी, उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी मिला और फायदा उठाया, क्योंकि उसका प्रोडक्ट अब कहाँ पे लॉन्च होने वाला था, इंटरनेशनल लेवल पर। अगला था बेटा इसमें नंबर 9 क्वेश्चन, इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ गैट GATT इन द ईयर, भारत जो है वो गैट का कब मेंबर बना था? तो बेटा इसमें सिंपल सी बात है, 1947 से तो पॉसिबल आई नहीं, पहले उसके बाद ही होगा। तो इंडिपेंडेंट होने के जस्ट 1 ईयर लेटर ही भारत किसका मेंबर बन गया, गैट का मेंबर बन गया था इन 1948। क्लियर। नेक्स्ट था, ऑर्गेनाइजेशन विच डज नॉट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वो कौन सी? इसमें चार ऑप्शंस गिवन थे और हमें बताना था कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड ट्रेड को या फिर वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट नहीं करती है। तो इसमें WTO था, वो तो प्रमोटिंग करता है, IMF भी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक भी प्रमोट करता है, तो कौन सा था इसमें? एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक सिर्फ किसको देता है, एशियन कंट्रीज को ही हेल्प करता है, ओके, डिफरेंट नेशंस को नहीं करता है, जो एशिया से बाहर के देश है। इसके बाद था बेटा नंबर 11, फुल फॉर्म ऑफ सेज SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो हमने बताया था कि हमारे नियर बाय भी है, जैसे नीमराणा है, नीमराणा के अंदर हमने जापानीज जोन बना रखा है, वहां पर मोस्ट ऑफ कंपनीज किसकी है, जापान की है, ओके, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लास्ट क्वेश्चन था नंबर 12, इंक्रीजिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर कम्स अंडर, जो प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता हुआ चला जा रहा है वो सब किस में आता है बेटा? सिंपल सी बात है, जब हम किसी चीज को प्रमोट करते हैं, प्राइवेट हाथों में देते हैं, जैसे अब प्रेजेंट टाइम में रनिंग है कई सारी हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेट हाथों में दे दिया है, प्राइवेट कंपनियों में दे दिया है, तो हम किसको प्रमोट करते हैं, प्राइवेटाइजेशन को, किसको कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन, यानी कि प्राइवेट बना रहे हैं उन चीजों को, ओके। तो ये 12 क्वेश्चंस थे, आई थिंक सबको समझ में आए होंगे, फिर भी कोई डाउट है देन यू आस्क मी, ओके, थ्रू कॉल और मैसेज। तो बेटा अपना पूरी तरह से घर पे बने रहें, सेफ रहें, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, ओके, बाय।